Knowledge Park, the creative school, school for quality and innovative education. New just for you, just born kids toys. ARK Giri, silk and sari. Rajeshwar mein KSRTC bus stand ka udghatan. नमस्कार, मैं वर्षा रानी, आप देख रहे हैं बीके न्यूज। बीके न्यूज में आपका स्वागत है। बसो कल्याण तालुका के राजेश्वर में 5 मार्च 2023 को एमएलए राजशेखर पाटिल के हाथों बस स्टैंड का उद्घाटन किया गया। बसो कल्याण हुमराबाद के बीच आने वाले राजेश्वर जो नेशनल हाईवे 65 पर मौजूद है, नेशनल हाईवे 65 रोड काम के समय राजेश्वर गांव का बस स्टैंड तोड़ा गया। उसके बाद से लोग बस के लिए हाईवे के किनारे ठहर कर बस का इंतजार कर बस पकड़ना पड़ता था। आज लोगों के लिए राजेश्वर गांव में 90 लाख बजट से बस स्टैंड बनाया गया। राजशेखर पाटिल एमएलए द्वारा बजट सेंशन करवा कर ये बस स्टैंड बनाया गया। इसका 5 मार्च को उद्घाटन किया गया। इस उद्घाटन समारोह में राजशेखर पाटिल एमएलए, चंद्रशेखर पाटिल एमएलसी के अलावा और भी कई अधिकारी और गाँव के लोग मौजूद रहे। देखिए, राजेश्वर में बस स्टैंड बनना बोलकर ये गांव के लोगों का बहुत यह था, तो मैं पिछले में करीब 90 लाख रुपए इसको काम करने के लिए रखकर ये बस स्टैंड के काम हमने किए। और यहाँ पर बस स्टैंड बनाने के लिए जगह का बहुत मुश्किल था, वो जगह का ओनर को यहाँ पर और बेंगलोर में। हाईलाइट इंडस्ट्री AAC ब्लॉक्स, कंस्ट्रक्ट योर ड्रीम होम विद क्वालिटी प्रोडक्ट, ड्रीम होम फर्निशिंग, कर्टन एंड सोफा, हाजी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, ब्यूटीफुल होम फॉर सेल विद ऑल फैसिलिटी। बुलाकर उनको रिक्वेस्ट कर वो जगह लेकर यहाँ पर हमने बस स्टैंड निर्माण किया। लेकिन ये बस स्टैंड से मुझे भी सेटिस्फेक्शन नहीं है। क्यों बोलते हैं, राजेश्वर में बहुत पॉपुलेशन है, उस हिसाब से बहुत छोटा बस स्टैंड बना और ये तांत्रिक भी थोड़ा व्यवस्था नहीं है। बस किधर से जाना किधर से आना बहुत मुश्किल है। अभी टेम्पोररी वो लोगों का इच्छा था, साहब हमारे को बनाना है, क्या रहे तो भी बनाना है, तो इसलिए हमें बना है। आज बहुत सारे मीडिया में गांव के लोग भी बोल रहे थे उद्घाटन नहीं करना बोकर नहीं था। उद्घाटन करने के लिए भी कुछ टाइम होना चाहिए। श्रीरामलू साहब को मैं बोला, श्रीरामलू जी ये बहुत छोटा सा बस स्टैंड है। नहीं एमएलए साहब क्या करना बोल रहे हैं, नहीं भाई इनॉग्रेशन करना बोल रहा हूँ, तो ठीक है आप कर लो बोकर मंत्री मोदी बोले मुझे। मैं मंत्री मोदी को मैं अभिनंदन देता हूँ, पाप मैं बोलते ही श्रीरामलू साहब बोले कि आप कर ले हो। उन्होंने और एक फंक्शन जो कौडियाड़ के पास जो ARTO ऑफिस बनाए वो 10 तारीख के दिन। सोहम इलेक्ट्रॉनिक्स होम अप्लायंस फर्नीचर, द डायमंड टैटू स्टूडियो एंड प्रेसेस ऑफिस बनाए वो 10 तारीख के दिन इनॉग्रेशन करेंगे बोकर। मेरे पास ARTO सभी ARTO लोग आए थे। मैं बोला ठीक है, जब मंत्री महोदय टाइम दिया तो मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है बोला। तो इसलिए थोड़ा विलंब हो गया। ट्रेन को जो कंट्रोल पॉइंट, मैं आज ही जिलाधिकारी को बोला हूँ, मैं वो कंट्रोल पॉइंट कंट्रोल को यहाँ पर ही डाल दिए और जो बस जो आना जो जाना और जो यहाँ पर स्कूल के बच्चों को जो भी सुविधाएं होना है वो सब करने के लिए मैं हो सके तो MD के साथ बात करूँगा। और इस निगम के अध्यक्ष बहुत मेरे मित्र हैं, राजशेखर शेड़म जो मेरे बहुत मित्र हैं, उनको भी बोलकर जो काम करना है वो हम काम करेंगे।